कसिनो के ऊपर मैंने दो तीन वीडियो अभी बनाए रिसेंटली। वैसे तो सीरीज़ बनी हुई है साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, आप जाके देख सकते हो, पर बीच में एक लंबा गैप आ गया। वो गैप इसलिए आ गया कि मैं ढाई तीन महीने से कसिनो गया ही नहीं था, तो दिमाग में कुछ ऐसा नया था नहीं। तो अभी मैंने जैसे वीडियो में अपने बताया पिछले वाले कसिनो वाले वीडियो में कि एक शख्स की वजह से मैं कसिनो गया एक दिन के लिए, तो फिर से कुछ मेमोरीज़ ताज़ा हो गई दिमाग में। तो मैंने कहा चलो फिर कुछ दो चार छः वीडियो बनाते हैं। अभी मैं कसिनो के ऑनलाइन कसिनो के ऊपर भी वीडियो बनाया एक और बनाऊँगा भी। और तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि आज से लगभग 4 साल पहले मैं गोवा आया था। तो मैं एक पंजिम में डॉर्मेट्री में रुका था, और उस डॉर्मेट्री की खासियत क्या है कि वो पंजिम में थी, अब तो बंद हो गई है, वहाँ से वो डॉर्मेट्री शिफ्ट हो गई है। तो वो डॉर्मेट्री जो है वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मतलब रह रहा था उस डॉर्मेट्री में। तो उस डॉर्मेट्री की खासियत ये थी कि वो सारे रिवर कसिनो के सामने पंजिम मार्केट में पड़ती थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गैम्बलर्स रहते थे, मतलब जिनका लो बजट गैम्बलर होते हैं, जिनके पैसे जो हार चुके हैं या कम पैसे हैं या कम बजट है, तो वो लोग आके रहते हैं। या वो लोग भी रहते हैं जो शुरू शुरू में तो रूम ले करके होटल में रहते हैं, फिर जैसे जैसे हारना शुरू करते फिर कॉस्ट कटिंग के नाम पर डॉर्मेट्री में आ जाते। तो उस डॉर्मेट्री में मैं तो अक्सर ही, मतलब मेरा तो हमेशा मेरे डॉर्मेट्री या हॉस्टल मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि उसमें नए नए लोगों से मुलाकात होती है। इसी वजह से मैं आपको ये स्टोरी भी सुना पा रहा हूँ। तो वो वहाँ पर मैं तो 2 महीने रहा था, तो बहुत सारे लोग आए गए। तो हुआ ये कि उसमें एक दिन एक भाई साहब आए, दिल्ली से ही थे, 65 साल उनकी उम्र थी। तो वो आए और बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के थे, मतलब जैसे होता है ना कि साफ़ सुथरी जगह पे रहना, बढ़िया रोज शेव करनी, टिप टॉप रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बैठना, वो उस टाइप के थे। पर वो दिख रहा था कि वो मजबूरी के तहत उस डॉर्मेट्री में रह आए हैं। तो वो आए डॉर्मेट्री में, हमारी बातचीत हुई, हाय हेलो हुई, मेरे सामने वाले ही बेड पे वो आए। तो उन्होंने ऐसी हमारी बात चली, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे बताया कि नहीं नहीं मैं तो गैम्बलिंग के लिए आया हूँ, और मैं पिछले 10-12 साल से 15 साल से गैम्बलिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको कोई देखा लगता है, पर ये मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ देखा है। फिर हमारे बीच में बातचीत होती रही, उन्हें कुछ मेरी बातें अच्छी लगी, तो वो बातचीत बढ़ती रही। फिर बढ़ने के बावजूद बढ़ते बढ़ते में फिर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा आप कैसे गैम्बलिंग में आए, कैसे, वो तो बताया दोस्त के थ्रू आए, 15 साल से गैम्बलिंग में हूँ। तो वो गैम्बलिंग में उनकी फैक्ट्री थी, कुछ गाड़ियों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कोई पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी, कारखाना टाइप था। तो वो सब बंद हो गया, बिक गया, मतलब गैम्बलिंग के चक्कर में वो बंद कर दिया। क्योंकि जब आप एक बार कसिनो लाइन में आते हो, गैम्बलिंग में आते हो ना, तो आपके लिए 50,000 लाख रुपए महीना इनकम कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आप एक एक टाइम में एक एक दिन में इतना कमा लेते हो। भले ही वो बाद में चले जाता है, वो नहीं कोई नोटिस करता, क्योंकि फिर दिमाग में एक बात आ जाती है, अरे यार इससे क्या तुम कमाओगे लाख रुपया, मेरे पास हो इतने पैसे तो मैं तो लाख रुपया रोज़ बना लूँ कसिनो से, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तो उस वजह से फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता। तो उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, बिक गई, जो भी कुछ हुआ। तो अब मैंने कहा अब कैसे घर चलता है, तो वो कह रहे कि मेरे पास कुछ बाप दादों की जो प्रॉपर्टी है, मकान है मेरे कुछ दिल्ली में किसी इलाके में, तो वो मकान का रेंट वगैरह आता है, एक मकान में फैमिली रहती है, और फैमिली ने इस गैम्बलिंग की वजह से फैमिली ने बिल्कुल हाथ पीछे से खींच ली है। मतलब मान सम्मान भी चलेगा ना परिवार से, कि भी आप जुए में फैक्ट्री आपने बंद कर दी और अभी भी जुआ खेल रहे हो, तो बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। तो वो कह रहे कि बस किराया आता है, उसी किराए में से घर चलता है, और एक मकान है जिसमें वो फैमिली रहती है, मतलब 2 बड़े मकान थे उनके। तो फैमिली इस बात में थी कि कहीं जुए के चक्कर में ये मकान वकान ना चले जाए। तो फिर मैंने कहा फिर आपने छोड़ा क्यों नहीं जब इतने साल में जब कुछ नहीं कर पाए। कह रहे यार वो छूटता ही नहीं है। फिर मैंने अब छोड़ दिया था, तो मैंने कहा फिर क्या करने आए हो। कह रहे मैंने छोड़ दिया था और मैं 1.5-2 साल कसिनो नहीं गया, फिर मैंने सोचा कि क्या लूपोल है कसिनो की, कहाँ हम गलती करते हैं। तो मैंने 1-1.5 साल में इसको समझा और एक रामबाण स्ट्रेटजी बनाई है, एक रामबाण स्ट्रेटजी, मतलब ऐसी बढ़िया, मैंने अपने 15 साल के तजुर्बे से और सारा आकलन करके घर में 1.5 साल खाली बैठ के मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, इस स्ट्रेटजी को कोई नहीं तोड़ सकता, और ये रामबाण स्ट्रेटजी है, इससे मैं पैसा कमाऊंगा। मैं कहा फिर। कह रहे पर मुझे उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये चाहिए थे। तो मैंने 5-6 महीने अपनी ही फील्ड, मतलब जिस पार्ट्स की फैक्ट्री थी उसी फैक्ट्री के अंदर या उसके जैसी किसी फैक्ट्री के अंदर, आई एम नॉट श्योर, उसी फैक्ट्री के अंदर मैंने नौकरी करी 6-8 महीने, और उसकी तनख्वाह से मैंने कुछ 13-14 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, जिसमें से 2 हज़ार रुपये मेरे आने में लग गए। मैंने कहा अच्छा। तो
कह रहे अब मैं इससे पैसा बनाऊंगा और ये रामबाण उपाय है और ऐसा है वैसा है ये वो है। मैं कहा ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो वो अंदर बाहर कुछ कार्ड्स की गेम खेलते थे, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना मेरी कोई दिलचस्पी है। मैंने क्या बोला सब कुछ नहीं आना चाहिए एक में महारत होनी चाहिए। तो मैंने तो ऐसी बातचीत के दौरान मालूम पड़ा, मैंने कहा यार आपको कहाँ देखा है मैंने, तो मालूम पड़ा कि जब मैं पहली बार नेपाल गया था काठमांडू और मैं बैले कसिनो में था तो वहाँ पर दो मैंने एजेड लोग देखे जो कागज़ वागज पेन लेकर के नोट डाउन करते थे, क्योंकि जब उन्होंने कागज़ निकाले अपने बैग से कि देखो ऐसे ऐसे है ये होता है इसके बाद ये आया तो इसके बाद ये आया, तो मैंने कहा यार आप काठमांडू भी गए हो? कह रहे हाँ गए हो। मैंने कहा लास्ट टाइम कब गए थे? उन्होंने बताया तो वो टाइम मैच कर गया, मतलब मैंने काठमांडू के अंदर जिन दो लोगों को देखा था उनमें से एक शख्स ये थे, क्योंकि ये ना हर जगह कागज़ पेन खोल के लिखना नोट करना ये सब करना, तो मालूम पड़ा कि कोइंसिडेंस। फिर देखो हम दो साल बाद हम गोवा के अंदर मिलते हैं, हालांकि वहाँ हमारी कोई बातचीत नहीं, वैसे भी मैंने नोटिस किया। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि उन्होंने अपना ये बताया स्ट्रेटजी, मैंने कहा ठीक है जी ऑल द बेस्ट। मैंने कहा जी कसिनो में मेरे को तो गोवा आने में ही बहुत खुशी हो रही है, कसिनो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये तो मेरे लिए एक छोटा सा पार्ट है, मैं कसिनो को थैंक यू बोलूँगा कि उसकी वजह से मैं गोवा आया या गोवा जैसी जगह पर आया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई मेरा रोल नहीं, अभी भी देख लो मेरे को 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में मैं मतलब टोटल जोड़ लूँ तो 100 दिन भी नहीं गया हूँ, 100 दिन भी बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50-60 दिन कसिनो गया हूँ, तो 1.25 साल में नहीं जाते हम ऐसे ही शौक के तौर पे जाते, तो क्योंकि मालूम है ना उसकी लूप होल क्या है। तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई और वो गए कसिनो में, उनकी एंट्री भी फ्री थी क्योंकि पहले बहुत हार चुके थे तो कसिनो ऐसे लोगों को एंट्री फ्री देता है। वो गए शाम को आए, मैंने कहा हाँ जी मिले वो, कह रहे आज पहला दिन था, आज 2,500-3,000 रुपये मैं जीत गया, कुछ 2,500-3,000 रुपये जीत गया। आते ही उन्होंने वो ऑल आउट लेके आए और ऑल आउट लगाना दूर था उनका बेड, दूर प्लग और बेड उनका दूर था, तो वो एक्सटेंशन कोड वगैरह खरीद के लाए, कुछ चीज़ें मतलब ऐसे जो भी छोटी मोटी जो कंफर्ट की चीज़ें होती वो सब खरीद लाए वो, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक चीज़ और हुई थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो जो बैंक में पैसे थे कि उन्होंने सोचा कि मैं गोवा जाऊंगा और मैं पैसे निकाल लूँगा, तो वो पैसे जो थे वो उनका कार्ड एक्सपायर हो गया कोइंसिडेंस उसी दौरान, तो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा यार मैं ये बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आप दिल्ली से गोवा आ गए आपने 1,000-2,000 रुपये भी जेब में नहीं रखे। कह रहे मैंने तो सिर्फ टिकट के लायक पैसे निकाले, टिकट ली और मैं आ गया। मैंने कहा रास्ते के लिए 100-200 रुपये बहुत है, बाकी तो वहाँ जाके ATM से निकाल ही लूँगा, जेब में क्या रखने। अब वो कार्ड उनका वो एक्सपायर हो गया, तो वो प्रोसेस होता है कि वो दिल्ली के एड्रेस पे आएगा फिर वहाँ से यहाँ मंगाना, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो कोइंसिडेंस उस समय मैंने उनको, जैसे मैं डिनर करने जाता था शीतल वगैरह जो है पंजिम में, तो 1-2 बार मैंने उनको डिनर वगैरह करा दिया, सुबह का ब्रेकफास्ट करा दिया। उस दौरान उनके बैंक मैनेजर से बात बात करी, फिर कोई वो कह रहे जी किसी लोकल का अगर अकाउंट होगा तो मैं आपके लोकल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ आप उससे ले लो। फिर ढूंढा किसी लोकल को, मैनेजर से मिलवाया, फिर ऐसे करके उनके 2 दिन में वो पैसे मिल गए, ठीक है। तो उस दौरान एक थोड़ा सा उनका मेरे प्रति और वो बढ़ गया, तो हम लोग खूब बातें भी करते थे। तो उन्होंने बोला कह रहा है यार राकेश जी मैं ना रात भर ना सोचता रहा सो नहीं पाया कि आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज है, आपने इतना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, मैंने अपनी 65 साल की उम्र में आपके जैसा आदमी नहीं देखा कि मतलब इस उम्र के अंदर इतनी नॉलेज और हर फील्ड के बारे में नॉलेज होना। तो कह रहे पर एक सो नहीं पाया कि एक सवाल था मेरे मन में कि आपने इतने सारे बिजनेस किए, आपने बताया आपने 15 साल की उम्र से करियर शुरू किया और इतने इतने सारे बिजनेस किए और हर बिजनेस को टॉप पे जाके बंद कर दिया, तो आपने बंद क्यों किया, छोड़ा क्यों उसको? तो ये मुझे परेशानी है, मतलब आप जैसे आदमी के तो इतनी अगर आपके अंदर टैलेंट है काबिलियत है तो आपको तो सारे बिजनेस चलाने चाहिए थे। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, यही थोड़ा सा एक मेरा चुभती है बात कभी कभी, क्योंकि मैं एक बेहतर टीम नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं किसी काम में घुसूंगा तो मैं सनकी हूँ, मैं जुनून के तहत उसको करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे जैसे ही व्यक्ति आए। अब वो जुनूनी होते नहीं है, वो कहते हैं अरे यार 10 काम करेंगे 2 तो गलत होंगे ही। मैं कहता हूँ नहीं, कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं उसको पूरा रिस्पॉन्सिबल के हिसाब से चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि नीचे की एक ब्रिक भी हिलेगी तो पूरा पिरामिड नहीं बन पाएगा, पूरा पिरामिड गिर जाएगा, तो वो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। धूप बहुत तेज़ हो गई, अब इसको मैं बस वीडियो जल्दी कंप्लीट करता हूँ।
तो मैंने कहा ये एक रीज़न है कि मैं टीम नहीं बना पाया, एक ट्रस्ट वाली टीम नहीं बना पाया, लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये बातें कर रहा है उसके रिजल्ट तुरंत आने चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। दूसरा, मुझे मेरे जैसे ही लोग चाहिए थे, तो मैं उनको जब भाषण देता था, जब वो गलती करते थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे, वो सब रिएक्टिव लोग थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पर दो ट्रेनों का एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी रेल मंत्री की होती है, नैतिक जिम्मेदारी। तो ऐसे वो लोग जब कोई गड़बड़ करते थे तो वो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे। तो इस वजह से मेरे को बिज़नेस छोड़ने पड़े सारे, मतलब मेरी एक लिमिटेशंस है ना, मैं बिज़नेस को कहाँ तक पहुँचा पाऊँगा। फिर मेरा बिज़नेस से ही मुँह भंग हो गया, ठीक है, लोगों की इन्हीं ओछी हरकतों से। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। उसके बाद हुआ ये कि पहले दिन वो 2,500 रुपये बना के लाए और दूसरे दिन वो गए, मैं वहीं था। मैं ज़्यादातर आपको पता नहीं, मैं डॉर्मेट्री में ऐसे अकेला लेटा रहता था, ऑडियो बुक सुन ली या कुछ किताबें अपने साथ, हमेशा 4 किताब जरूर कैरी करता था बदल बदल के, और वो किताबें पढ़ ली। तो वो शाम को आए, उनके बाल सारे खड़े हुए, आंखें ऐसे घूम रही हैं, मतलब किसी एक जगह पे टिक नहीं रही हैं, मुंह खुला हुआ, मतलब एक जगह हक्का बक्का आदमी हो जाता ना, एकदम बौखलाया हुआ, झल्लाया हुआ। मैंने पूछा, हाँ जी क्या हाल है, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर वो आधा एक घंटा बैठे, फिर मैंने कहा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कह रहे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा मतलब? कह रहे वो पानी वानी पिलाया मैंने उनको। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे माइनस हो गया। तो मैंने कहा हाँ, तो आपकी स्ट्रेटजी में था ना कि अगर मैं इतने दिन माइनस भी होऊंगा तो भी मैं बच जाऊंगा। कह रहे नहीं, सब माइनस हो गया। मैंने कहा पर आपने तो बोला था कि 2,000 से नीचे का मैं लॉस नहीं उठाऊंगा एक दिन में। कह रहे हाँ, वो पहले ग्राफ ऊपर गया, फिर वो पैसा जाने लगा, तो मैंने 2,000 कम हुआ। मैंने कहा ट्राई करता हूँ। वो करने के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा बैलेंस जो भी 10-12 हज़ार रुपये था, वो एक ही दिन, मतलब पहले दिन 2,500 जीते, दूसरे दिन में सारा का सारा पैसा चला गया। मैंने कहा यार, मैंने आपको बताया था कि कसिनो एक सेंसिटिव जोन है, ये दिमाग के ऊपर शैतान को नचाता है, और वो जब शैतान नाचता है ना तो सब रामबाण गीता बाइबल कुरान धरी की धरी रह जाती है। अभी नहीं आए पहल को लेके, यहीं से आएंगे पहल को लेके। तो मैंने उनको समझाया, पर अब क्या था, पैसा तो सारा चला गया। वो नियो मजेस्टिक की बात है, नियो मजेस्टिक में ना एक कार्ड गेम है जिसमें रोबोट कार्ड उठाता है फिजिकली, तो वो वाला था उसमें, सब वो हार गए टोटल एक ही दिन में। अब ये नौबत आ गई। फिर रात को उनको समझाया, फैसला हुआ कि वो अगले दिन वापस दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए मैंने उनको ट्रेन सजेस्ट करी, 11 बजे यहाँ से दुरंतो जाती है, आप दुरंतो लो, उसमें आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर टिकट के पैसे वगैरह अरेंज किए और वो दिल्ली गए। दिल्ली में जाने के बाद उनका एक दो बार मेरे पास फ़ोन भी आया कि अरे आपसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, ये मिला वो मिला, मतलब उनकी यह हालत थी कि उनके बेटे ने उनका फ़ोन तक रिचार्ज करने से मना कर दिया था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बेटे की गलती, इन्होंने अपना ट्रस्ट गवा दिया होगा, तो जो भी रीज़न रहा। तो पर मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मेरा सिंपल सा कि मैं कमज़ोर लोगों के साथ बात नहीं करता। आपके हालात जितने मर्जी ख़राब हो, पर अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत हो, मैं आपके साथ 10 घंटे बात करूँगा। आप करोड़पति भी हो और मानसिक तौर पर कमज़ोर हो, या कोई IQ लेवल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आप करोड़पति भी हो, मेरे को जो मर्ज़ी बेनिफिट देने की बात करो, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। तो फिर मैंने उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि आप उसी को ही तो बचा सकते हो जिसमें बचने की गुंजाइश हो, या जो खुद बचना चाहता हो। इससे पहले भी एक चीज़ हुई थी इनके साथ कि मेरे ना फ़ोन में नेपाल का एक ऐप पड़ा हुआ था ऑनलाइन गैम्बलिंग का, लाइव कैसीनो का, कैसीनो रेड का। उस ऐप के अंदर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको दिखाया। मैंने कहा देखो ये वाली गेम ऐसे ही। तो इन्होंने कहा रुको मैं खेलता हूँ। मैंने कहा रहने दो यार, वो पता नहीं कब से 2,500 रुपये मेरे पड़े हैं, वो आप मत उसको खेलो, चले जाएँगे, मैं इसको विड्रॉल कर लूँगा। वो मतलब पड़े हुए थे नेपाल में, ऐसी वाइफ ने शौकिया तौर पे मैंने डलवा दिए थे वाइफ के लिए, कि मैं कहा टाइम पास, एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हम भी देखें, तो मैंने कहा ठीक है देख लो एंटरटेनमेंट। तो वो पड़े हुए थे, बहुत पुरानी बात है मतलब, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे पैसे। तो उन्होंने उसे खेलना, नहीं मैं दिखाता हूँ मेरी स्ट्रेटजी। उन्होंने अपनी ये दूसरे दिन से, मतलब पहले दिन जिस दिन 2,500 विन करके आए थे उस दिन की बात है। तो उन्होंने उसमें ऑनलाइन में खेल के दिखाया, तो उसमें मेरे 1,000 रुपये कम हो गए या 800 रुपये कम हो गए, मतलब मेरे कम हो गए, वो हार गए, उसमें जीते नहीं, तो 800 रुपये कम। मैंने कहा रहने दो यार कोई बात नहीं, जो भी 1,000-1,200 पड़े वो पड़े रहने दो। पर उन्होंने मुझे फोर्सफुली 800 रुपये दे दिए।